नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सातवीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ देशभक्त पुरु का अंतिम और छठा भाग अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के पांचवें भाग में हमने अध्ययन किया था कि मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है और वह अपनी सफलता पर खुश है। सेलुकस जो है बंदी पुरु को लेकर आता है। सिकंदर कहता है, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। पुरु बड़े गर्व अभिमान से कहता है, वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिकंदर, युद्ध युद्ध है राजा पुरु, वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की प्रशंसा तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी, अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए राजा पुरु, हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें। पुरु स्वाभिमान से कहता है, वैसा ही जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। विद्यार्थियों, यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, जब दो राजाओं में युद्ध होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है, और हारने वाले राजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। जब पुरु से पूछा जाता कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु बहुत ही निडरता से और स्वाभिमान से उत्तर देता है, भले ही युद्ध में छल कपट धोखा हुआ हो। आम भी सिकंदर से, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर एट नहीं गई। राजा पुरु हमारे कैदी हैं, लेकिन फिर भी उनकी अकड़ गई नहीं। सिकंदर गुस्से से, आम भी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से हम आपका जवाब, पुरु से कहते हैं कि हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। पुरु, ऐसा जवाब एक बहादुर एक साहसी वीर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद हैं, हम आपका राज्य आपको वापिस करते हैं। आमी, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था, यह धोखा है फरेब है। सिकंदर उत्तेजित और क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, आम भी अपनी औकात समझो, धोखा मैंने नहीं तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। पुरु से, महाराज, पुरु आज से हम आपके दोस्त हैं, मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कायम रहेंगी। विद्यार्थियों, पुरु और सिकंदर के इस नाटक में हमने पुरु की वीरता, उनकी शक्ति, उनका साहस, इसका परिचय किया है। आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ को भलीभांति श्रवण किए। आइए अब जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, गृह पाठ। सिकंदर के पुरु से यह पूछने पर कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पुरु ने क्या कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। विद्यार्थियों, यह पाठ यही समाप्त होता है। एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।